गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास एट हिंदी वीडियो। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। देखिए, आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। ये वर्क आपको याद भी करना साथ साथ उतारना भी है। देखिए, आज हम बात करते हैं आदर्श क्वेश्चन पत्र की। पेज नंबर है आपका 37। चैप्टर 5 को अभी आपको नहीं करना है। मैं इससे पहले आपको आदर्श प्रश्न पत्र करवा रहा हूँ, तो ये समझिए आप, सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है। किसी भी डाक का प्रविष्टि फॉर्म में एक बार में कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं? आपके एक या एक से अधिक आपके रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो इसका मतलब है आपके सभी। एमएस वर्ड में 37 पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों से बनता है। यानी जब आप एमएस वर्ड में जब आप कोई भी रो और कोई भी लाभ कॉलम बनाते हैं, तब आपकी एक सारणी तैयार होती है, जिसको इंग्लिश में टेबल कहते हैं। और बात करते हैं एमएस एक्सेल की, तो उसमें बन जाती है वह स्प्रेडशीट। किसी भी चार्ट में इनमें से कौन सा तत्व अनिवार्य है? देखिए, चार्ट को तैयार करने के लिए मुझे ग्रिड लाइनें और संकेत दोनों की आवश्यकता होती है, तभी आपके चार्ट तैयार होता है। तो इसका आंसर आपका ये दोनों। पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन बनता है। देखिए, पंक्ति होती है आपकी रोज और स्तंभ होते हैं आपके कॉलम, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, प्रतिच्छेदन मतलब होता है क्रॉस करना, इंटरसेक्शन, तो वो होता है आपका एक सेल जिसमें आप डाटा को रखते हैं। 6 क्वेश्चन है, हाया नहीं बताना है आपको। क्या सेल के हाशिए परिवर्तित कर सेल्स में विस्तार कर सकते हैं? हाँ, इससे आपके सेल में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या मेल मर्ज के लिए विशेष प्रकार का डाटा प्रयोग करते हैं? नहीं। देखिए, डाटा आपका सेम होता है। डाटा आपका कोई भी नंबर हो सकता है, या कोई भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, या कोई भी आपका सिंबल हो सकता है। ये सभी क्या है आपका एक प्रकार का डाटा ही है। इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं जोड़ा हुआ है। आपके इसमें क्या है, हिंदी के टेक्स्ट भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, आपके सिंबल्स भी हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका डाटा हुआ जिसको आप किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। क्या एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है? सही। देखिए, एमएस ऑफिस क्या है, एक अमेरिका की कंपनी है। उसके अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स आपके होते हैं, अलग अलग से प्रोग्राम होते हैं। चार चार्ट, त्रियामी, त्रियामी का मतलब होता है थर्ड डायमेंशनल, उसे बोलते हैं थर्ड डायमेंशनल हो सकते हैं, हाँ वे आपके हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ये आपको उतारना भी है। थैंक यू।